जो बच्चे बहुत अच्छा मार्क रखे हैं उनको ट्रस्ट के थ्रू 10,000 रुपए भी अवार्ड किया गया। 10th में 95.8%। ये नुआखाई भेटघाट जो कि उड़ीसा पश्चिम उड़ीसा का ये महत्वपूर्ण पर्व है, समाज रो केमती विकास हो पारिबो, समाज रो कौन कौन अन्याय अत्याचार होता है केमती हमें रोक पारिबो। कितने संख्या में लोग आज पहुंचे हैं? आज 10,000 लोग आए हैं। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रवि तिवारी, आज हम कालाहांडी के जूनागढ़ में मौजूद है। मेरे कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे जो चारगढ़ माली समाज का बकायदा नुआखाई सम्मेलन, क्योंकि उड़ीसा में नुआखाई जो पर्व होता है काफी महत्वपूर्ण पर्व होता है, तो थोड़ा सा मेरे कैमरामैन दिखा देंगे और यहाँ पे जो अतिथि बैठे हुए हैं थोड़ा सा मेरे कैमरामैन उनको भी दिखाएंगे कि चारगढ़ समाज की जो सभापति है, सभापति इसमें मौजूद है और लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले हम बीसी जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि बीसी जी ने हमें बहुत ज्यादा बुलाया था कि इस कार्यक्रम में आप आइए करके, इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। बीसी जी थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप। अब बीसी जी, क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के विषय में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। कार्यक्रम ये है कि हमारा परंपरा जो चले आ रहा है नया खवी त्यौहार, उसी के संबंध में हमने नयाखाई भेटघाट कार्यक्रम कर आयोजित किया जाता है। बीसी जी, आज के कार्यक्रम में क्या क्या किया गया, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज क्या कार्यक्रम था। आज स्वास्थ्य के बारे में था, कृषि बारे में था और शिक्षा बारे में था और व्यवसायिक बारे में था। ये सारी जो है हमारे कार्यकर्ताओं का द्वारा ने संबोधित किया गया है और मंथन भी हो चुका है। तो अभी समय के अनुसार जो है हमने हमारा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं भी अपना वक्तव्य रखूँगा वहाँ, और जो भी होगा मैं आपसे निश्चित रूप से बताएंगे, जुड़ूंगा। भैया, क्या नाम, आपका क्या नाम है, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए आपका नाम। मेरा नाम पुरुषोत्तम पारी है। अच्छा पारी जी, इस कार्यक्रम में कितने जिले के लोग आए हैं और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो हमारा जो आज का नुआखाई भेटघाट जो है हमारा, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हमारा जे मैं थोड़ा उड़िया में मैं बोलूंगा, जे हेतु उड़िया बोलिए, हम चलिए हम आपकी बातों को ट्रांसलेट कर देंगे उड़िया बोलिया। जे हेतु हमारा नुआपड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, छत्तीसगढ़, गरियाबंद जिला, ये चारटा जिलार जेहेतु आम समस्ते पंडरामाली समाज अच्छु, आम समस्ते एकजुट होचु आर समाज केमती विकास हो पार, समाज कौन कौन अन्याय अत्याचार होता है केमती आम रोक पारू, नारी शिक्षा को केमती आम करू, महिला मान को केमती सशक्त कर समाज आग को नहीं पारू, ए संबंध में आमर एवं युवबाहिनी जो आज अच्छा युवबाहिनी केमती आमर काम करेंगे, समाज को केमती आगे ने, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, गमना चाषी क्षेत्र में, सब क्षेत्र में केमती आम समाज आग को जीव, से संबंध में हमारे चारीगढ़ रू हमें बुद्धिजीवी सब बस यार मंथन हमें कर छु। बीसी जी आपका पद बता दीजिए, पारी जी आपका पद बता दीजिए। मो होचि हमारो नवरंगपुर जिला पंडरामाली समाज रो परिचालक। ये पंडरामाली समाज के नवरंगपुर के परिचालक थे पारी जी, इनका कहना है कि जो महिला सशक्तिकरण पे इस बैठक में जोर दिया गया है। एक दीदी जी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी जी आपका, सबसे पहले खड़े हो जाइए आप और आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कल्याणी नायक है, मैं पंडरामाली समाज की उपदेष्टा हूँ। दीदी जी, जैसे अभी पारी जी ने बहुत अच्छा अच्छी बात बताई कि महिला को सशक्त करने के लिए उसमें जोर दिया जा रहा है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपका समाज क्या कदम उठा रहा है, थोड़ा सा इसको भी बताएंगे। नहीं, कैसे महिला संगठित होंगे आगामी दिन में, कैसे वो लोग एकजुट होके आएंगे। अभी हम हर साल ये समारोह करते हैं, क्योंकि नुआखाई हमारा बड़ा पर्व है, पश्चिम उड़ीसा का बड़ा पर्व है, और हम हर साल ये आयोजन करते हैं ताकि हम सब लोग एकजुट हो सके, समाज के लिए आलोचना कर सके और क्या दिक्कत है और क्या क्या जाना चाहिए वो सब डिस्कस होता है। फिर हमारे लड़की लोग जो हैं, जो स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में रैंक में पास होते हैं या डॉक्टरी में पाते हैं, उन लोगों को हम सम्मानित करते हैं ताकि आगामी दिन में वो लोग और पढ़ाई के लिए ज़्यादा उत्साहित हो। इसलिए शिक्षा की
को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए ये सब किया जाता है। और लेडीज लोगों के लिए भी किया है कि अब हम कैसे उन लोगों को ज्ञान दें कि बताएं कि आगामी दिन में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा के थ्रू बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दीदी, जैसे मैं भी कार्यक्रम में आया था तो कई लोगों को देखा आपके समाज के, कई लोग कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, आप लोग प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दीदी कहते हैं कि एक सभ्य समाज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, तो कुल मिला के जो शिक्षा का अलग जगाने के लिए या लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए क्या आज के समाज में कोई जोर दिया गया क्या? हाँ, निश्चित रूप में हमारा एक ट्रस्ट भी है, जो बच्चे बहुत अच्छा मार्क रखे हैं उनको ट्रस्ट के थ्रू 10,000 रुपये भी अवार्ड किया गया है। और जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं हमारे जो पुअर सेक्शन से हैं, उन लोगों को भी हम लोग, हमारा जो कमिटी है सोसाइटी का, वो लोग फाइनेंशियली भी असिस्ट कर रहे हैं। कुछ लड़के हैं जो एजुकेशन में अच्छे हैं, वो लोग उनको फ्री में एजुकेशन देने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को पढ़ा भी रहे हैं ताकि अगले वो अपनी जॉब के बारे में सोच सकें और कुछ कर सकें। दीदी पहला कार्यक्रम के इस टाइप का कार्यक्रम होते रहते हैं? हर साल हमारा ये कार्यक्रम हर साल होता है। हम विभिन्न ब्लॉक में जाके ये सब करते हैं, हर साल हमारा ये समारोह होता है ताकि हम लोग एक गेट टुगेदर कर सकें, भाईचारा का जो संबंध है वो हर टाइम रह सके, तो ये हर साल हमारा समारोह होता है। तो यहाँ पे जो आयोजक है उनसे बातचीत कर लेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। भैया जब भी कैमरा चलते रहेगा थोड़ा सा आप लोग बीच में ना आवे, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप कैमरे की तरफ देखिए भैया, और थोड़ा सा जो डिटेल है आखिर इतना बड़ा आयोजन करने का उद्देश्य क्या है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद नाइक है और मैं पंडरामाली युवा वाहिनी का सभापति हूँ। आज पंडरामाली समाज नुआखा भेटघाट 2023 का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में 4 जिले का, गरियाबंद छत्तीसगढ़ का जिले का, नयापाड़ा जिले का और नवरंगपुर कलांडी जिले का, 4 जिले के एक साथ समारोह कर रहे हैं। इस समारोह में हमारे जो लड़के लोग जो पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई में जो उन्नति की है, जो पहला मैट्रिक में जो फर्स्ट क्लास आया है, जो प्लस टू में आया है, जो नवोदय में जो एंट्री हो रहा है और प्लस टू में जो हाईएस्ट मार रखे हैं, जो डॉक्टर लोग छात्र में जो अभी नीट में पाए हैं और डॉक्टर जो नौकरी कर रहे हैं, इस सभी लोगों को हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। आप महोदय एक सवाल आपसे भी करूंगा क्योंकि ये सवाल पूछना जरूरी भी है, क्योंकि आज के डेट में देखने को मिलता है कि जो युवा हैं वो कई बार गलत संगति में या नशे के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, तो क्या उसमें जोर दिया गया क्या कि आप नशे से दूर रहे और कुल मिलाकर अच्छे से पढ़ाई कर आगे बढ़ें करके? देखिए ये जो हम समारोह कर रहे हैं, हमारे 2018 से आज तक 5 साल हो गया हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं यूथ की तरफ से, और यूथ में ये टोटल हमारा काम है समाज को कैसे नारी शिक्षा में आगे बढ़ाए, बच्चे लोग को नारी शिक्षा में आगे बढ़ाए और जैसे ये दुर्नीति में जैसा लिप्त ना हो इसको सुलझा दे रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम में जो लड़के लोग रहते हैं सब अच्छे काम करते हैं। कितने संख्या में लोग आज पहुंचे हैं? आज 10,000 लोग आए हैं आज, और 4 जिले के। मेरा नाम प्रभात कुमार नायक है, मैं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर कोरापुट में काम करता हूँ और मेरे समाज में एक आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर होने के नाते मुझे जुब वाहिनी कलाहंडी के तरफ से सम्मानित किया गया, बहुत गौरव के बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार, मेरे समाज के आगे बढ़ाने के लिए मैं जो भी होगा वो कोशिश करूँगा। कितना मेहनत करना पड़ेगा? मेहनत तो होती है हर तरफ से, मैं परिवार वाले मेहनत करते हैं, खुद को मेहनत करना पड़ता है, रोज पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई के बाद जॉब के लिए पढ़ाई करो, हर तरफ से मेहनत करना पड़ता है। समाज जब सम्मानित करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम जो सम्मानित किया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक छोटा सा फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे इतना बड़ा सम्मान जो किया है इतने लोगों के सामने, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के हैं? फिलहाल मैं धर्मौड़ ब्लॉक से हूँ और मेरा गांव गड़ियाजोर का है, पिता के नाम गुणसागर नायक है। कहाँ पोस्टिंग आपकी? अभी मैं रायगढ़ जिला काशीपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ, उधर समाज के कार्यक्रम में शामिल हूँ। हाँ, समाज में मेरा 4 साल हो गया, अभी लोगों के सेवा में जारी हूँ और फिलहाल मैं अभी मेरा हायर स्टडी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए मैं कोलकाता जा रहा हूँ और वहाँ से अच्छा पढ़ाई करके समाज के लिए मेरा काम करने का इरादा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरा पहली बार था कि मैं कहीं बड़े मंच पे जाकर इतना समर्थित हुआ हूँ और समाज के लोग का जो प्रयास है कि कि समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है और हमें देख के इंस्पायर होंगे, तो भी वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा और खुश भी लगा। अच्छा अविनाश जी, आप MBBS डॉक्टर हैं, इस लेवल पे पहुँचने के लिए मेहनत कितना होता है अविनाश जी?
मेहनत मतलब वही नॉर्मली जितना मतलब अपने कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि 18 घंटा 20 घंटा पढ़ो, जितना भी पढ़ो मतलब 3-4 घंटा वो सही से पढ़ो और मतलब कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। कहाँ पढ़ते हो आपका? अभी मैं कोरापुट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आपकी पोस्टिंग में ही है? हाँ। समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब कि इंस्पायर होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद में देख सकते हैं, वो खुद का कैपेबिलिटी कितना है वो खुद मतलब कि समझ के खुद अपने हिसाब से मेहनत करेंगे तो एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। सम्मानित किए हैं, अच्छा लगा है ये, मतलब ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है क्योंकि मतलब हमारे जो यूथ अभी देख रहे हैं हमको वो एक उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, तो वो और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि इस पुरस्कार से सम्मानित हो सकें बोलकर, तो सबके लिए इंस्पिरेशन टाइप है, तो मेरे अच्छा लगा ये। बिल्कुल जी, आप जो आज सक्सेस हैं, आप एक MBBS डॉक्टर हैं, इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं और कितना आपको मेहनत करना पड़ा? हाथ तो माता पिता का सबसे पहला है, उनका ही मतलब वो मेरे को ही मोटिवेट किए थे करने के लिए, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं था पहले, वो मेरे को पहले मोटिवेट किए थे करने के लिए, उसके बाद मैं अपना भी मेहनत इसमें किया था और इसमें हर कोई कर सकता है। ये मैं ये बस बोलना चाहता हूँ कि आप एवरेज स्टूडेंट हो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है कि बस इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस आपका मेहनत के ऊपर और आपका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है तो आप एवरेज स्टूडेंट होकर भी MBBS कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज के अंदर मुझे आज सम्मानित किए हैं, इसीलिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि जिसलिए मैं मेहनत किया था उस डेस्टिनेशन में मैं पहुंच गया हूं और इसीलिए इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है समाज के लोगों के अंदर, इसीलिए बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे माता पिता का आशीर्वाद के लिए आज मैं इतना कर पाया हूँ। मैं शास्त्री जी शिक्षा निकेतन भवानी पटना में 10th में टप्पर की हूँ, इसलिए मेरी समाज में मुझे सम्मान मिली है। आज जो मेरे भैया लोग ने नीट में क्रैक करके डॉक्टर बन पाए, उस तरह मैं भी पढ़ लिख कर उसके तरफ इंस्पायर होकर मैं भी एक डॉक्टर बनने के लिए चाहती हूँ। तो कितने घंटा आप मेहनत करते हो अभी? अभी मैं 6-7 घंटा पढ़ते हूँ। कितना परसेंट है आपका? 10th में 95.8%। पंडरा माली समाज के तरफ से युवा संगठन के लोग कालाहंडी जिला के लोग यहाँ पर आयोजन रखे थे, जिसमें से चार गढ़ के समाज, पंडरा माली समाज, चांदाहांडी, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट, नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें समाज के प्रति उत्थान के विषय में चर्चा की गई और जो शिक्षा के प्रति जोर शोर से यहाँ पर प्रबल रूप में बात को रखी गई और जो छात्र छात्राएं यहाँ पर जो अच्छे अंकों में प्राप्त हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में नीट के माध्यम से हो, चाहे डॉक्टर नियुक्ति पद पर हो, शिक्षक के रूप में हो, अच्छे अच्छे पदों पर जो प्राप्त हुए, अच्छे अच्छे पदों पर जो पदस्थ हैं उनको पंडरा माली समाज संस्था द्वारा सभी को सम्मानित किया गया, जिसमें से बहुत ही अच्छे मतलब विचार रखे हैं कालाहांडी जिले के लोग। वैसी वातावरण रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज के जो आने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके रूप में एक जागरूकता पैदा होगी और अच्छे शिक्षा के रूप में अध्ययन करेंगे। नारी शिक्षा के रूप में भी यहाँ पर चर्चा हुई, जिसमें से चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, कला के माध्यम से भी यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ और जो उड़ीसा में वास्तव में जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कला का सागर के रूप में है, वो कला का यहाँ पर भी अभिनय प्रस्तुत किया गया, उसमें भी सम्मानित किए गए और कहा जाना चाहिए जो आयोजक कमिटी है बहुत ही अच्छा उनके द्वारा प्रयास किया गया और जो निरंतर 2018 से ये नुआखाई भेटघाट जो कि उड़ीसा पश्चिम उड़ीसा का ये महत्वपूर्ण पर्व है, हम भी उस पर्व को अच्छे रूप से गरियाबंद जिले में रहते हुए भी उड़ीसा का क्षेत्रीय कल्चर को हम लोग भी ढांचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर रोटी बेटी का आदान प्रदान होता है, इसलिए हम लोग भी मानते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमारे मन में भी एक भावना पैदा हुआ है कि हमको भी ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए।
तो तमाम जो अतिथि थे, अतिथियों से लेकर हमने बातचीत किया और जितने भी कुल मिलाकर जो यहाँ के आयोजक थे उनसे भी हमने चर्चा की। कुल मिलाकर यह कहना है कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ युवा भी नशे से दूर रहे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके सभ्य समाज का निर्माण किया जाए, इसी को लेकर आज नुआखाई सम्मेलन का जो आयोजन किया था। कैमरामैन गंधर से कहूंगा कि बकायदा कुर्सियां लगी हुई है, चूंकि लोग यहाँ पर भोजन करने के बाद लोग कहीं दूर गए हैं। हम जब पहुंचे थे स्टार्टिंग में तो यहाँ पे काफी भीड़ थी, काफी लोगों का एक जमावट देखने को मिला। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं और माली समाज के जो लोग भी हैं इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि माली समाज के लोग, कुल मिलाकर जैसे दीदी जी ने बताया कि हर साल एक कार्यक्रम किया जाता है और कार्यक्रम में गेट टुगेदर किया जाता है, लोगों से चर्चा किया जाता है, अलग अलग जिले के लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं, विचारों से पता चलता है कि समाज के लिए और क्या नया करना चाहिए और समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, जूनागढ़।